बर्फ की सिल्ली को मुर्दा घर से लाकर फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बर्फ बनाई जाती है, ऐसा आपने बचपन में जरूर सुना होगा। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि मार्केट में खुला मिलने वाला बर्फ नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई नहीं बताता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। इसलिए आज मैं आपको एक बर्फ की फैक्ट्री में लेकर चल रहा हूं, जहां आपको बर्फ बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, साथ ही बर्फ के साथ जुड़ी अफवाहों की सच्चाई भी बताऊंगा। और अगर आपने पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो शायद आप कभी खुले में मिलने वाले बर्फ को नहीं खाना पसंद करेंगे। बर्फ की सिल्ली बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अमोनियम गैस, जिसको बड़ी बड़ी कंप्रेसर मशीन के अंदर साल में एक बार रिफिल किया जाता है और फिर उसके बाद ये लगातार सर्कुलेट होती रहती है। और जितनी भी इसकी गर्म गैस होती है वो इस पाइप के थ्रू हाई टेंपरेचर पर ऊपर की ओर जाती है, छत की ओर। और ये पाइप इतना गर्म होता है कि अगर इस पर आप हाथ रख दो तो आपका हाथ जल सकता है। और फिर जितनी भी गर्म गैस होती है वो इस कंडेंसर के अंदर आती है और ये जो ट्यूब जैसे सर्कल में पाइप देख रहे हैं, इन पाइप के अंदर सारी गैस घूमती रहती है और ऊपर की तरफ से पाइप एक पाइप लगा होता है और वहां पर ठंडा पानी इस पर लगातार गिरता रहता है और गैस ठंडी होती रहती है। और जो भी गैस ठंडी हो जाती है वो आती है बड़े से सिलेंडर में, वहां पर इसे स्टोर किया जाता है और इसके बाद ये सारी गैस जाती है अपने एक प्रक्रिया में, जहां पर बर्फ की सिल्लियां बनती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस पाइप के अंदर गैस आती है और इस पानी के अंदर आप सोच रहे होंगे कि क्या इस गंदे पानी में हमारी बर्फ की सिल्लियां बनाई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये पानी सिर्फ बर्फ को ठंडा करने का काम करता है और बर्फ आपको पता होगा कि ज्यादा देर तक इसलिए जमा रहता है क्योंकि उसमें नमक मिला होता है और ये नमक का कट्टा पूरा का पूरा इसमें डाल दिया जाता है। और एक चक्री लगी होती है जो लगातार पाइप को घुमाती रहती है, क्योंकि बर्फ के खांचों की तरफ चारों तरफ नालियां बनी होती है जहां पर हमारा ठंडा पानी घूमता रहता है और बर्फ की सिल्लियों को ठंडा करता रहता है, यानी कि जमाता रहता है। ये देख सकते हैं कि सारा पानी सर्कुलेट हो रहा है। अब मैं आपको इनका खाली गोदाम भी दिखाता हूं जहां पर बर्फ को जमाया जाएगा। इसके बाद अपना ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट होता है बर्फ की सिल्लियों को जमाने का। देखो अंकल एक खाली बॉक्स लेकर आ रहे हैं जिसमें पानी भरा जाता है और इसी से अपनी बर्फ की सिल्लियां बाहर निकाल कर लाई जाती हैं। देखिए पुलिंग मशीन की सहायता से जितना भी अपना ठंडा पानी नमक वाला पानी है उनके अंदर इन खांचों को डाला जाता है। पुलिंग मशीन के साथ साथ हाथों की सहायता से भी इनको जो है वहां पर लगाया जाता है और अब इनमें डाला जाएगा साफ पानी। साफ पानी जो है आरओ वाटर होता है, उसको डाला जाता है। कहने को तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो नॉर्मल पानी होता है वही डाल देते हैं, लेकिन हमने यहां पर खुद चेक किया है पूरा आरओ वाटर होता है। ये देखिए सारा पानी भरने के बाद सारी बर्फ की सिल्लियां यहां पर जमती रहेंगी, ठंडी होती रहेंगी और इस प्रक्रिया में 24 घंटे का समय लगता है। और पूरी जमने के बाद दोबारा से कूलिंग मशीन की सहायता से एक एक करके सारे खांचों को बाहर निकाला जाएगा और फिर इन बर्फ की सिल्लियों को बाहर निकाल लिया जाता है। और जैसे जैसे यहां पर ऑर्डर आते हैं इनकी फैक्ट्री के बाहर एक टेम्पो लगा रहता है और वहां पर 20 से 25 सिल्लियों को एक बार में लोड करके इन्हें भेज दिया जाता है और बाद में यही बर्फ मार्केट में बिकता है। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये बर्फ की सिल्लियां हैं उनका उनको उल्टा जा रहा है और यहां पर उल्टा इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें जो भी पानी बचा हो वो बाहर निकल जाए और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी छिड़का जाता है ताकि जो बर्फ जमी हुई है उन खांचों में वो खाली होकर निकल जाए, जो चिपकी हुई है वो निकल जाए वहां से। और ये देखिए अपने सारी बर्फ की सिल्लियां तैयार हो चुकी है जिसको यहां पर मार्केट में भेजा जाएगा। देखने में इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है कि मजा आ रहा है, लेकिन ये काम करने में गर्मी में तो मजा आता है कारीगरों को, लेकिन सोचो अगर ठंडी में इनको ये काम करना पड़ता होगा तो कैसे करते होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि ये बर्फ की सिल्लियां बनी तो होती हैं आरओ वाटर से, लेकिन इन्हें आप डायरेक्ट पानी में या फिर कोल्ड्रिंक में इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कोल्ड्रिंक को ठंडा करने या आइसक्रीम जमाने के लिए करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी ये लोग चप्पल पहनकर काम करते हैं और ये चप्पल कहां कहां जाती है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। भाई वीडियो बनाकर मुझे तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में एक प्यारा सा कॉमेंट लिखना कि आपने बर्फ को बनते हुए सच में देखा है।